तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास पीडीएफ होती है और उसमें कुछ चीजें मिसप्रिंट हो जाती है या फिर हमें उसका कोई कंटेंट जो है वो चेंज करना होता है। और पीडीएफ हो सकता है कि हमारे स्कूल कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर कोई गवर्नमेंट चीजों से या फिर कोई हमारी पर्सनली चीज क्यों ना हो, तो हम उसमें अगर चेंज करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने पीसी लैपटॉप को खोलना पड़ेगा, क्योंकि वही काफी कन्वीनियंट तरीका है, यानी आसान तरीका है। पर क्या हो कि हम इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है या फिर हम इतना झंझट नहीं उठाना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फोन से ही उसे एडिट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम मोबाइल से किसी पीडीएफ के कंटेंट को चेंज करते हैं या फिर एडिट करते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले देखेंगे हम कि मेरे पास कौन सी पीडीएफ मुझे एडिट करनी है। तो यहाँ जाऊंगा मैं माई फाइल में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे है मेरी एक फाइल जो है माई रिज्यूमे करके, माई रिज्यूमे ये वाली फाइल है। तो इसको अगर हमें ओपन करके देखेंगे तो इसका कॉन्टेंट जो है एक नाम दिया हुआ है ऊपर, डे या वो जू पता नहीं कौन सा नाम है, और उसमें दिया है रिसर्च इंटर्न एजुकेशन, ये सब मुझे चेंज करना है। तो पीडीएफ को हम डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जाऊंगा मैं यहाँ पे गूगल पर, और यहाँ पे डालूंगा क्या पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, और इसमें जो पहली साइट आती है हमारी आई लव पीडीएफ की, इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी कन्वीनियंट तरीका है हमारा और ये काफी अच्छी साइट है, यानी ट्रस्टेबल साइट है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट पीडीएफ करके मैं क्या करूंगा, माई फाइल पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करके, जिससे कि ये डॉक्यूमेंट ही आ जाए मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ से नीचे 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 करके और मैं अपना वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लेता हूँ, ये है मेरा माई रिज्यूमे करके, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। ये हमें डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनेट स्पीड कैसी है। उसके बाद ये कन्वर्ट टू पीडीएफ नीचे ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड वर्ड का, और यहाँ से क्लिक करके वो डाउनलोड भी हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि अब जाएंगे फिर से वहीं पे, कहाँ पे, जहाँ वो डाउनलोड हुई है, यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगी वो माई रिज्यूमे डॉट डॉक्स। तो हम क्या करेंगे कि अब एक ऐप डाउनलोड करेंगे, वैसे तो सबके फोन में आते हैं आप आजकल, अगर आपके फोन में नहीं है तो हम उसे डाउनलोड करते हैं, जिसे कहते हैं हम गूगल डॉक्स, क्या गूगल डॉक्स। हम माइक्रोसॉफ्ट को भी कर सकते हैं, पर क्योंकि वो पेड है और गूगल का फ्री आता है, इसलिए हम इसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आता है इंस्टॉल का, हम उसे इंस्टॉल करेंगे, मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए मुझे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे अपडेट अभी नहीं करूँगा, सच में सीधे उसे खोल लेता हूँ। पीडीएफ से वर्ड में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, पर अब उसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि उससे पहले यहाँ गूगल डॉक में हम उसे ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो होगा यहाँ से इस पर ओपन डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज में, क्योंकि हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इसलिए हम इसे यहाँ सर्च कर रहे हैं। ऐसे नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि बैक करके और रिसेंट में देखेंगे उसे, ये रिसेंट में जो हमने अभी डाउनलोड करा है ये रिज्यूमे डॉट डॉक एक्स वाला, इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट हो गए, वो कहाँ खुलिया, हमारे डॉक अक्स में खुलिया। अब हम इसे यहाँ पे एडिट करना है, तो कैसे होगा, ये जो नीचे बटन है ना पेंसिल का, हम इसे क्लिक करते हैं जिससे कि हमारा जो एडिट वाला ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब हम इसे चेंज करना है चैनल का, इलेगा लो कि मैंने अपने चैनल का डालना है वाइंस पीसी, वाइंस पीसी, और उसके बाद मुझे चेंज करना था यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुझे चेंज करना था एजुकेशन को, इतनी बड़ी एजुकेशन मैं एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, सच में एडिट नहीं कर रहा अपने लिए, कोई पर्सनल नहीं कर रहा, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एजुकेशन के लिए कर दिया यहाँ पे पीएचडी, लिखने में क्या जा रहा है, ऐसे मैंने पीएचडी लिख लिया, पीएचडी होना चाहिए, तो वैसे तो मैंने पीएचडी लिख दिया और बाकी ऐसे रहने देते, ठीक है, इसे पता चल जाएगा कि हमने चेंज करा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे, हो गया ओके। अगर हम इसे अब डाउनलोड करना है तो उसके लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन आएगा शेयर एंड एक्सपोर्ट का, उसके बाद एक ऑप्शन है हमारा सेव एज करके, सेव एज करके आएगा हमारे पास गूगल डॉक्स का, क्योंकि ये गूगल डॉक्स में पहले होगी तो उसके लिए हम ओके कर देते हैं, ये गूगल डॉक्स में अब सेव हो चुकी है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से करना है एक्सपोर्ट फिर से, तो अब इसे हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, हमें चाहिए किसमें, पीडीएफ में चाहिए, तो हम यहाँ से प्रिंट करेंगे, और यहाँ से कौन सा एक चाहिए, दोनों चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, तो यहाँ पे मैं थ्री डॉट पर फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेव एज पीडीएफ कर दूंगा। उसके बाद जहाँ भी हमें वो करना है ये आगे माई रिज्यूमे डॉट पीडीएफ, और यहाँ से मैं सेव का ऑप्शन जो है सेव कर लूंगा, और यहाँ सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब उसे देखूंगा मैं कि ये सच में हुआ ही नहीं चेंज, माई फाइल में जाके और ये सबसे ऊपर आ गया माई रिज्यूमे वन डॉट पीडीएफ, इसे अगर मैं ओपन करके देखूँ तो ये देखो ये चेंज हो चुका है, वाइंस पीसी लिखा आ चुका है और हमने क्या डाली थी एजुकेशन पीएचडी, तो ये भी आ चुकी है। तो इस प्रकार हम किसी भी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, यानी पहले पीडीएफ को कन्वर्ट करना है वर्ड में, अगर हमें वर्ड में ही चाहिए तो हम इसे वर्ड में ही डाउनलोड कर देते हैं, या फिर गूगल की भाषा में कहें तो गूगल डॉक्स में डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर अगर हमें वो पीडीएफ में चाहिए तो हम उसे पीडीएफ में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सब क्या है, ये सब फ्री के तरीके हैं, क्योंकि गूगल का अधिकतर जो चीज़ होती है वो फ्री होती है मैक्सिमम चीज़ें, तो हम क्या करते हैं कि गूगल से ही उसे डाउनलोड करके अब ये हमारी पीडीएफ एडिट हो चुकी है।